किसी को नहीं पता था कि एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। और यही होता है जब इस स्थिति से निपटने के लिए सभी कंपनियों की एक मीटिंग तय होती है और उस मीटिंग में रिजल्ट निकल कर आता है कि रखेंगे तो लड़कियां ही, लेकिन उनको ट्रेनिंग देकर वन मैन आर्मी बनाएंगे। जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले सेफ्टी चेक करना, सिक्योरिटी के लिए आने वाले पैसेंजर्स को उसके चाल ढाल और बिहेवियर से उसके नेचर का पता लगाना, जान बचाने के काबिल होना, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग, बॉम्ब थ्रेट की कंडीशन में कैसे रिएक्ट करना है, और यदि किसी इमरजेंसी में प्लेन को पानी में लैंड कराना हो, डूबते पैसेंजर्स को बाहर निकालकर बोट में बिठाने जैसी हार्ड ट्रेनिंग भी शामिल थी। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि 3 महीने की ट्रेनिंग में हर 6 दिन में एग्जाम, और उसमें भी अगर 90% से कम नंबर आए तो रिजेक्ट कर दिया जाता। इस तरह से एक सेफ्टी चेकर, सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर, फायरमैन, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और एक लाइफ गार्ड जैसी अनेक खूबियों से मिलकर जन्म होता है एयर होस्टेस का।